इससे पहले हम एल्पर्ट को पढ़ चुके हैं उन्होंने भी हमें ट्रेड थेरी दी थी इन्होंने भी ट्रेड थेरी दी है तो देखते हैं कि जी इनकी थेरी में ऐसा क्या है जो इनको अलीहदा से हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर एनालिसिस इन्होंने एक टर्म थी जो कि इंट्रोड्यूस कराई थी इन्होंने थोड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइंटिफ़िक वे में इन्होंने ट्रेड्स को और इंसानों को स्टडी किया है यहाँ पे फर्स्ट पैरा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि जी फैक्टर एनालिसिस ऑफ कोर्स वाइडली यूज एज एन एवरी डे एम्पेरिकल टूल बाई कंटेम्प्रेरी इन्वेस्टिगेटर्स आजकल भी इनका ये जो फैक्टर एनालिसिस का काम है ये इन्वेस्टिगेटर्स यूज़ कर रहे हैं अदर थे वर्किंग इन द एरिया ऑफ़ पर्सनैलिटी हैव ऑल्सो यूज़ दिस टेक्नीक इनकी टेक्निक को और थियोरिस ने भी यूज़ किया है और आ, हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट ने भी यूज़ किया है उनके नाम मैंशन किए गए हैं यहाँ पर कैट्स थ्योरी इज़ बाई फार द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एंड फुली डिवेलप थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन फैक्टर अनालिसिस इनकी थेरी को बहुत अच्छा समझा जाता है इनकी थेरी की बहुत तारीफ की जाती है समझा जाता है कि ये एक कम्प्लीट थेरी है एंड वी नीड टू एक्वेंट आवर सेल्फ ब्रीफली विद द मैथड ऑफ़ फैक्टर एनालिसिस इज सेल्फ तो हमें ज़रूरत है कि हम इस फैक्टर एनालिसिस के मैथड को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी एक थेरी है चलें जी अब बात करते हैं कि फैक्टर अनालिसिस होता क्या है कैटल ने अपनी थेरी ऑफ पर्सनैलिटी दी ही फैक्टर अनालिसिस की बेसिस पर है ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जो आ, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉन्सेप्ट होते हैं वो को रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ को रिलेशन दिया है ठीक है इंसान की कोई भी ट्रेड्स कोई भी चीज़ें जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं दैट एग्जिस्ट इन द इन द फॉर्म ऑफ को रिलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से डिपेंडेंट होती हैं जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट बिकॉज वेन वन इंक्रीज द अदर विल ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज़ क्योंकि जब आप देखते हैं वेट डजेंट मीट ओबेसिटी ठीक है मोटापा नहीं कह सकते वेट मतलब हड्डियों का जो वेट होता है तो एक नॉर्मल लीन बंदा भी अगर लंबा है तो उसका वेट एक थोड़े हैवी बंदे के मुकाबले में होगा तो हाइट और वेट क्योंकि आपस में रिलेटेड हैं तो इनकी एग्जांपल देकर आपको समझाया गया है कि ये कोरिलेशन के एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं द stronger द tendency फॉर टू वेरिएबल्स टू vary टुगेदर द stronger इज़ द correlation between बिटवीन दैम जितना इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से अफेक्ट होगा जितने ये आपस में लिंक्ड होंगे उतनी ही इनकी हम कहेंगे कि इनका रिलेशनशिप स्ट्रोंग है और उतने ही ये एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं इन्होंने इसको थोड़ी मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में लिखा कि अगर कोरिलेशन नेगेटिव है मतलब एक के घटने से एक बढ़ रहा है दैट इज नेगेटिव एंड एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव तो उन्होंने कहा कि जी हम जो ये कोरिलेशन हैं इनको हम पॉजिटिव टू नेगेटिव में कंसिडर करते हैं मतलब अ स्कोर ऑफ माइनस नेगेटिव इंडिकेट्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब ये कि आपस में एक दूसरे को अपोज हैं एंड प्लस पॉजिटिव इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव से हमें एक अच्छा कोरिलेशन मिल रहा है ठीक है जी कैटर प्रो प्रोसीजर वॉज़ टू मैयर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एज़ मैनी वेज एज़ पॉसिबल सही हो गया जी ये कैटल जो थे ये बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि जो नुकता चीनी वाले इंसान होते हैं उस तरह के थे और ये चाहते थे कि इनकी थेरी और इनकी जो रीडिंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आएँ ठीक हो गया जी सच एज़ हाउ मनी एक्सीडेंट्स दे हैव द नंबर ऑफ ऑर्गनाइजेश्स टू विच दे बिलोंग इन द नंबर ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट दे हैड मतलब वो चाहते थे कि अगर एक इंसान को स्टडी किया जाए तो उसकी छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक नॉलेज को भी मद्देनजर रखें इस सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो थी ये ऑब्जर्वेशनल थी और इसको कहा गया एल डाटा डाटा फॉर लाइफ रिकॉर्ड Q डाटा वॉज क्वेश्चन ईयर इन्फॉमेशन एंड लास्टली द टी डाटा वॉज द टेस्ट इन्फॉमेसन ठीक हो गया तीन तरह के डाटा इकट्ठे किए जाते थे एल डाटा जो कि डेली लाइफ पे बेस्ड था क्यू डाटा जो कि क्वेश्चन ईयर पे पर था और उसके अलावा टी डाटा जो टेस्ट पे बेस्ड था अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रीड करके मोस्टली नहीं पढ़ाती पर क्योंकि इनमें छोटी छोटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इनकी थेरी में इसलिए इसको बार बार एक एक चीज को पढ़ कर आपको समझाना जरूरी है द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटर को रिलेश को रिलेट सॉरी इज टू इंटर इंटर को

ट्रेट फिर इस मैट्रिक्स में क्लस्टर एनालिसिस करने के बाद जो एक खसूसियत खसूसियत तो ज़्यादा होती है ना खासियत जो निकलती थी एक फैक्टर जो निकलता था उसको एज अ ट्रेट कैटल लिख लेते थे अपने पास उनके पास एक उस एज अ ट्रेट आ जाती थी सही हो गया जी ये बेसिकली एक ट्रेड फाइंड आउट करने का जो कि एक पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है एक पर्सनालिटी की फाउंडेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए ही डू दैट ऑल प्रोसेस सही हो गया जी आगे के दो पैराग्राफ्स में इन्होंने अपनी उसी बात को समराइज़ किया हुआ है बायोग्राफिकल स्केच अगेन इतना इनका कोई लेंथी नहीं है इंग्लैंड में ये पले बड़े हैं इनका जो बचपन था दैट वाज हैप्पी दैट वाज ओके इनको कोई दुख नहीं था लेकिन कैटल जब नाइन ईयर के थे तो वर्ल्ड वॉर वन हो गई थी इंग्लैंड में जिसकी वजह से इन्होंने जब बहुत सारे लोग अपने सामने मरते हुए देखे और सारे प्रॉब्लम्स देखे तो ये थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे द नेचर ऑफ़ पर्सनैलिटी अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेट ठीक हो गया जी द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्ट प्रपोज बाई कैटल इज अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी ऑफ अदर थेरीज इन्होंने जो अपने कंस्ट्रक्शन दी हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं एज कम्पेयर टू एनी थियरी ट्रेड की अगर बात की जाए ट्रेड कैटल्स के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्ट फॉर गॉर्डन एट पॉट कैटल हैज़ कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट एंड इट्स रिलेशन टू अदर साइकोलॉजिकल वेरिएबल इन ग्रेटर डिटेल दैन एनी अदर करंट थियरीज एल्पर्ट की नस्बत इन्होंने ट्रेड्स पर और बाकायदा ट्रेड थियरी पर बहुत ज़्यादा तोज्जो दी है अल्पर्ट ने कम दी है फॉर हिम अ ट्रेड इज़ अ मेंटल स्ट्रक्चर एंड इन्फेरेंस दैट इज़ मेड फॉर फ्राम ऑब्जर्व बिहेवियर टू अकाउंट फॉर रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी इन दिस बिहेवियर इनके according mental structure. जो ट्रेट होती है ये हमारा मेंटल स्ट्रक्चर पोर्ट्रे करती है ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि इंसान की डेली रेगुलरिटीज़ भी है और वो कितनी दफ़ा एक काम कर रहा है और कौन से काम कर रहा है उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ पर दो ट्रेड्स मैंशन की गई हैं यूनिक ट्रेड वो होती हैं जो एक इंसान के अपने अंदर होती हैं कॉमन ट्रेट्स वो होती हैं जैसे लेट सपोज़ कि किसी एक कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों की कुछ कॉमन ट्रेट्स होंगी तो उनको कॉमन ट्रेट्स कहा जाता है द काइंड ऑफ फैक्टर एनालिसिस यूज

तो हमने अभी तक छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा कॉन्प्ट छोटी छोटी डेफिनेशन एम सी क्यूस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं आर टेक्निक क्या है जी फिर मैंशन कर देती हूँ जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को वेरिएबल्स को नोट no डाउन करते हैं दैट इज़ आर टेक्निक और जब आप देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल कितना ज़्यादा इन्फ्लुंस कर रहा है दैट इज़ पी टेक्निक उसके बाद आती हैं जी इनकी सर्फेस स्टेट और सो स्टेट सर्फेस स्टेट वो होती हैं जो ज़ाहरी होती हैं ऊपर ऊपरी उप, सतह पर होती हैं सरफेस पर होती हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है इन डे टू डे लाइफ लाइक like ऑनेस्टी और सो स्ट्रेट्स वो होती हैं जो कि ऑब्जर्व नहीं की जा सकती डे टू डे लाइफ में हर किसी के पास होती हैं लेकिन डिफरेंट डिग्री में जैसे कि इंटेलिजेंस सबका सबके पास होती है इंटेलिजेंस एज लॉन्ग एज उसको मेंटल कोई इशू नहीं है तो उस सबके पास इंटेलिजेंस होती है और सबकी इंटेलिजेंस की डिग्री डिफरेंट होती है कैटल एडमिट्स डैट सर्विट सर्विस स्ट्रेट आर लाइकली टू अपील टू द कॉमन सेंस ऑब्जर्वर आर मोर वैलिड एंड देन सो ट्रीट्स अच्छा कैटल कहते हैं कि एक आम इंसान को लगता है कि सर्फिस ट्रेट ज़्यादा अपीलिंग और अच्छी और एक इंसान का कह सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर बनाने में उसकी पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है लेकिन एक जो क्रिटिकल इंसान है जो क्रिटिक uh, है उसके अकॉर्डिंग जो उसका हम कहेंगे कि, कि जो सोर्स ट्रेट होती हैं वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बाद बात की है इन्होंने कंस्टिट्यूशनल ट्रेड्स की जो जैनेटिक ट्रेड्स होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं और इन्वायरमेंटल uh, ट्रेट्स कौन सी होती हैं जी इन्वायरमेंटल ट्रेट्स होती हैं जो हम इन्वायरमेंट से कल्चर से लेते हैं इन्होंने कहा कि जी मोस्टली लोगों में सिक्सटीन सो स्ट्रेट होती हैं उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन जी अलबत् सिक्सटीन सो स्ट्रेट होती हैं थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है हमारे साथ बट डोंट वरी हम कहाँ से पढ़ा रहे थे मैं भूल चुकी हूँ अच्छा जी सिक्सटी ट्रेड्स होती हैं उसके बाद इन्होंने बताया है कि हर इंसान में एबिलिटी एंड टेम्परामेंट्स होते हैं एबिलिटी क्या है कि कोई इंसान कितना अच्छा टास्क परफॉर्म कर सकता है और टेम्परामेंट्स होते हैं जी इमोशनल मेकअप के किसी का इमोशनल कैपेबिलिटी कितनी है और उसके बाद जो एट्थ कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो है डायनामिक डनामिक्स का जो कि होता है मोटिवेशनल मेकअप मतलब किसी चीज़ को हासिल करने की जो अंदर किसी के मोटिवेशन होती है दैट इज़ डायनामिक ठीक हो गया उसके अलावा इन्होंने जो ट्रेड एबिलिटी है उसको मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया जो इंटेलिजेंस इंसानों इन, की एबिलिटी होती है जिसमें इन्होंने मेंशन किया जी कि फ्लूड इंटेलिजेंस जो होती है दैट इज़ लाइक सॉल्विंग जनरल प्रॉब्लम जो हम डेली लाइफ में शो कर रहे होते हैं अपने छोटे छोटे मसले हल करके और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो हो होती है जो कि हम प्रॉपर स्कूल में लर्निंग करते हैं स्कूल की जो प्रॉब्लम्स और चीज़ें सॉल्व करते हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग उसके बाद इन्होंने ए, दो और कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि डायनामिक ट्रेड से रिलेटेड हैं अर्जिज़ एंड मेटा अर्जि अर्जिज़ क्या होती हैं जी जो कि आपकी बेसिकली बेसिक नीड्स हैं बायोलॉजिकल हो सकती हैं प्राइमरी ड्राइव्स जिन्हें कहा जाता है खाना पीना सोना जागना बेसिक ड्राइव्स जो आपकी हैं और मेटा अर्जिज़ उसके बाद की चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं आपके कोई गोल्स हो सकते हैं आपके कोई सेंटिमेंट्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है जो आप इन चीज़ों के बाद अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करते हैं

सेंटिमेंट्स कम हैं अर्जिस से ज़्यादा जाहिर है जब आपकी जो बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी सेंटिमेंट्स बाद में आते हैं एंड सिंस एटीट्यूड आर डिपेंडेंट ऑन सेंटिमेंट सेंटीमेंट्स एटीट्यूड्स आर सेट टू बी लेसर टू सेंटिमेंट्स मतलब सबसे पहले हमारे पास आ गए अर्जिस अर्जिस के बाद आए सेंटिमेंट्स सेंटिमेंट्स के बाद हमारे पास आए एटीट्यूड्स ठीक है तो ये एम सी की उसके हवाले से आपसे पूछा जा सकता है उसके बाद बात की जाती है जी इंपॉर्टेंट डायनामिक ट्रेट्स की जिसमें अजस तो हम देख चुके कि क्या होता है एटीट्यूड्स की बात की है और उसके बाद बात की है सेंटिमेंट्स सेल्फ की एटीट्यूड क्या है जी एटीट्यूड होता है इंसान का रिस्पांस जो वो किसी सिचुएशन में आ, देता है ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ सिचुएशन और ऑब्जेक्ट ठीक है यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल में मैंशन किया कि एक यंग लड़का है आई वॉन्ट वेरी मच टू मैरी अ वेन वो कह रहा है कि मैं शिद्दत से शादी करना चाहता हूँ तो ये अब ये बात जो है ये जो वेरी मच है ये उसकी इंटेंसिटी उसका इंटरेस्ट शो कर रहा है ठीक है किसके लिए शादी के लिए एक एक्शन के लिए वो अपना डेस्परेशन uh, शो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की जानेब ठीक है द एटीट्यूड नीड टू बी वर्बली स्टेटेड इन डीड कैटल वुड प्रेफर टू मैय द स्ट्रेंथ ऑफ द यंग मैन एंड ट्रस्ट बाई अ वराइटी ऑफ डाइवर्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ठीक है वैसे तो उसकी बात से ही पता चल रहा है कि उसकी बात में इंटेंसिटी कितनी है वेरी मच से ही बात का पता चल रहा है लेकिन कैटल के अकॉर्डिंग हार्ट बीट और मुख्तलिफ़ और ऐसे चीज़ें हैं जिनसे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि अगला इंसान कितना किसी चीज़ के लिए आ, उतावला हो रहा है ठीक है और इन्होंने सेवेंटी डिफरेंट डिवाइस दी हैं फॉर मयरिंग एटीट्यूड्स ठीक हो गया जी उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं Uh, how in practice however two second order components of attitude strength are usually measured one concerned with the relatively conscious and in integrated aspects of an attitude Uh, जो कि इन्फॉर्मेशनल टेस्ट होता है एंड वन कंसर्न विद लेस इंटीग्रेटेड और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स जो कि फॉरगेटिंग टेस्ट होता है दो टेस्ट की यहाँ पर इन्होंने बात की है जिनके जरिए आप एटीट्यूड्स की स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं एक आपका इंफॉर्मेटिव टेस्ट है जो कि आपकी कॉन्शियसनेस को, को जानने के लिए किया जाता है और एक आपका फॉरगेटिंग टेस्ट है जो कि आपके अनकॉन्शियस को जानने के लिए किया जाता है टू अपटेन अ सिंगल स्कोर फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एटीट्यूड द स्कोर फॉर द टू कंपोनेंट्स कैन सिंपली बी एडेड टुगेदर आप दोनों के स्कोर्स uh, को एड करके आप किसी के एटीट्यूड की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद हमारे पास बात आती है जी सेल्फ की सेल्फ क्या है जी हमारी जात खुद की जात और उसके अंदर के एक्सप्रेशंस उसके अंदर के अर्जस उसके अंदर की नीड इन एनी इवन द सेंटीमेंट और सिस्टम ऑफ सेंटीमेंट्स फोकस्ड अराउंड द सेल्फ इज कंसीडर्ड बाय कैटल टू प्रया रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी आपकी सेल्फ जो है वो झलक कर बाहर आ जाती है किसी भी जगह पर किसी भी मौके पर जब आपकी कोई भी अर्ज होती है या कोई भी आपका आ, मेटा अर्ज होती है तो उसमें आपके जो सेल्फ सेंटिमेंट्स हैं जो आपकी अपनी ज़ात है जो आपके इमोशनस हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं फिर यहाँ पर जी मेजर सोर्स ऑफ डाटा को जो हमने डिस्कस किया था उनको उन्होंने उसको फिर एलेबरेट किया है कि एल डाटा क्या हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड आपका उसके बाद क्यू डाटा होता है जी क्वेश्चन है जिसमें इंसान से ख़ुद उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया जाता है फिर आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट ठीक है इसमें क्या किया जाता है कि इंसान को कोई सिचुएशन क्रिएट करके दे दी जाती है और उसको कहा जाता है कि भैया अब आप इसमें परफॉर्म करें और फिर उसके जो स्कोर होते हैं वो नोट डाउन किए जा सकते हैं मे बी उसको कहा जाए कि आप कोई ड्राइंग करें आपको पिक्चर बना के दिखाएं आप कोई पिक्चर में से मतलब निकाल के दिखाएं मतलब किसी टाइप की भी एक्टिविटी हो सकती है और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया इसको क्या इसकी पर्सनालिटी क्या है इसकी ट्रेड्स क्या हैं आगे देख लेते हैं जी लेसन नंबर ट्वेंटी नाइन आर इज इक्वल्स टू एफ इन टू पी एस आर यहाँ पर क्या है जी पर्सन रिएक्शन इन्होंने रेमन कैटल ने बेसिकली ये एक आ, कह सकते हैं कि क्वेश्चन दी है टू फाइंड आउट द ट्रेड्स एंड थिंग्स जिसकी वजह से एक जगह पर तो इन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है फॉर बींग सो साइंटिफिक इन टर्म ऑफ पर्सनैलिटी क्योंकि पर्सनैलिटी एक ऐसी कोई क्वान्टिटेटिव चीज़ है नहीं कि इसको मैयर किया जा सके और uh, कहीं जगह पर कहा जाता है कि भाई इन्होंने तो बड़ी कोई अच्छी अप्रोच अपनाई है तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रेस भी किया जाता है तो आर है पर्सनस का रिएक्शन इंसान का रिएक्शन किसी भी चीज़ को लेके एफ क्या है जी फंक्शन पी इज द पर्सन पर्सनैलिटी एंड एस इज़ द सिचुएशन ठीक हो गया अब इधर इन्होंने बताया हुआ है कि कैटल ने इसको कहा है बेसिकली स्पेसिफिकेशन इक्वेशन तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिकेशन इक्वेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि जी पी जे क्या होता है परफॉर्मेंस इन अ सिचुएशन ए इज़ द एबिलिटी ट्रेड टी इज टेम्परामेंट ट्रेड ई इज़ अर्जिक टेंशन एम इज़ अर्ज आर इज़ टेम्पररी बॉडी स्टेट फटीक मतलब कोई भी जिस स्टेट में बॉडी है मे बी उसको कोई शॉक मिला है तो शायद वो एंगजाइटी में है या ट्रामा में है तो दैट इज़ उसकी बॉडी की स्टेट और एस जे क्या है एस जे है इन सारी चीज़ों की वेटेज क्योंकि आप देख सकते हैं कि एस जे हर किसी के साथ लगा हुआ है एबिलिटी ट्रेड के साथ भी टेम्परमेंट्स के साथ भी तो ये क्या शो कर रहा है कि इनकी वेटेज कितनी है सही हो गया जी फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है इस वेटेज को समझाने के लिए कि अब दबिलिटी ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस विल बी गिवन ग्रेट वेटेज और अ हाई फैक्टर लोडिंग एज कम्पेयर टू अदर ट्रेड्स मतलब ये कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम लेट्स सपोज कि आपको ये इक्वेशन तब दी गई आपके बारे में जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपका इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया होगा इस टाइम पर वो ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू एनी थिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी यहाँ पर बात इन्होंने की है जी कैडल ने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल और स्ट्रक्चर्स इंटीग्रेशन की क्लासिकल जो एवन पेवलॉन की थेरी है हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं जिसमें उन्होंने ए, 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 एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के साथ उसमें यह है कि इंसान के जो इमोशनल रिस्पॉन्स हैं वो किसी चीज़ के साथ अटैच कर दिए जाते हैं उसके बाद आती हैं जी ऑपरेंट कंडिशनिंग जो कि एक माउस और मेज़ की थी आ, वो भी हमने पिछले लेसन में और पिछली जगहों पर पढ़ी हैं तो इससे कहा गया कि जी अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इन पर्सनालिटी लर्निंग इज़ व्हाट कैटल्स कॉल कन्फ्लुएंशल लर्निंग कैटल कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में पर्सनालिटी की लर्निंग होती है उसको कैटल के अकॉर्डिंग कन्फ्लुएंस कन्फ्लुएंस लर्निंग कहा जाता है तो ये फॉर एम सी आप देख सकते हैं आ, याद कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या कहती है कि जो आपका आपका जो फ्रेमवर्क है आपकी जो पर्सनालिटी का फ्रेमवर्क है इट विल बी रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सब्सटिडेशन रिलेशन मतलब ये कि जो भी वहाँ पर आपका जिस भी सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है ना जहाँ पर आपकी बेसिक अर्जेस इन्वॉल्व हैं उसको क्या था उसको भूख लगी थी उसको खाना चाहिए था माँ उसको तो वहाँ पर जहाँ पर आपके बेसिक अर्जिज इन्वॉल्व हैं वहाँ पर क्या होगा जो आपकी पर्सनैलिटी का फ्रेमवर्क है जो बुनियाद है वो निकल कर बाहर आ जाती है ठीक हो गया जी आगे बात करते हैं इन इंटीग्रेशन लर्निंग The individual learns to maximize total long-term satisfaction by expressing some urges at any given point and suppressing repression. Other structured या yeah, इंटीग्रेशन uh, response को हमने नहीं पढ़ा था तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है फिर हम आगे निकल गए हैं कहीं दूर दराज चले गए हैं यहाँ तो बहुत आगे आ गए हैं यहाँ पे थे जी हम इसका मकसद ये होता है कि लेट सपोज़ कि आपको इस टाइम uh, कोई कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है लेट्स सपोज़ कि आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है आपको लेकिन आपको प्यास थोड़ी कम है ठीक है तो आप क्या कहेंगे कि आपको जो फ़िलह फिल वक्त अपनी सेटिस्फैक्शन चाहिए ना आप उसको सेटिस्फाई करेंगे और आप कहेंगे कि जो प्यास है उसको मैं थोड़ा सा दबा लेता हूँ या लेट सपोज कि आप कह सकते हैं कि वो दूसरी नीड को क्या करेगा वकती तौर पर रिप्रेस कर लेता है तो यहाँ पर यही लिखा है कि इन इंटीग्रेशन लर्निंग द इंडिविजुअल लर्न टू मैक्सिमाइज टोटल लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन जहाँ पर उसको ज़्यादा देर की सेटिस्फैक्शन मिल रही है कोई अर्ज शो करने से वो वो करेगा और उस गिवन मोमेंट में वो दूसरी अर्ज को सप्रेस कर लेगा उसको दबा लेगा ठीक हो गया जी वे ऑफ स्टडिंग पर्सनैलिटी लर्निंग एम्पेरिकली इज बाई मीन ऑफ अ प्रोसीजर कॉल एडजस्टमेंट पाथ एनालिसिस कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी लर्निंग एक बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है एक वास्ट सिचुएशन में आपको एक इंसान को देख कर उसके मुख्तलिफ रिस्पॉन्स से उसको जज करना पड़ता है तो अगर आप पर्सनैलिटीज को स्टडी कर रहे हैं एम्पेरिकली तो इसको कहा जाएगा एडजस्टमेंट पाथ एनालिसिस ठीक हो गया इस बात को याद रखिएगा फॉर एम सी क्यूज पर्पज़ वन बिगिन विद टू थिंग दो चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड ट्रेड चेंज अकरिंग इन अ नंबर ऑफ पीपल ठीक हो गया जी और सेकंड क्या है विद अ थेटिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस पॉसिबल पाथ ऑफ एडजस्टमेंट दो चीज़ों से देखेगा इन इस मामले को पहला ये कि एक इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है इन मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ इंसान एक सिचुएशन में किस तरह कितने डिफरेंट तरीक़ों से रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दो बेसिस पर वो इस चीज को स्टडी कर सकता है हेराडिटी इन्वामेंटल एनालिसिस कैटल वाज वन ऑफ दोज जो नेचर वर्सेस नजर को काफ़ी पढ़ना चाहते थे पढ़ा इन्होंने और इन्होंने एक मैथड डिवेलप किया है जिसको कहा जाता है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस मावा जिसको आप शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं 1960 में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था मावा इन्वॉल्व गैदरिंग डाटा ऑन द रिजैम्बलेंस बिटवीन स्टूंस सिंगल रेयर टूगेदर्स इन्होंने इसमें क्या किया कि जो बच्चे ट्वेंट्स थे जो कह सकते हैं आइडेंटिकल टूंस थे जो डिफरेंट ट्वेंट्स थे उनको देखा जो कि अडॉप्शन सेंटर्स में थे दूसरी फैमिलीज में थे सेम फैमिलीज में थे उनको इन्होंने किया है जी डिस्कस सही तो उसके मुताबिक इन्होंने अपनी बातें बताई हैं रिसर्च फैक्टर फैक्टर एनालिटिक स्टडी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी वही आर और पी टेक्निक को मेंशन किया है इन द प्रोसीडिंग सेक्शन द डिस्टिंगशन वाज ड्रॉन बिटवीन आर टेक्निक एंड पी टेक्निक इन द आर टेक्निक द यूजुअल फैक्टर एनालिटिकल प्रोसीजर कोरिलेशन आर कैलकुलेटेड मैं बता चुकी हूँ कि आर टेक्निक में आपकी जो ट्रेड्स हैं वो देखी जाती हैं और पी में उनकी यूनिकनेस उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिक्शन जो इन्होंने बताई दैट वॉज बिटवीन सर्विस सॉरी सर्विस एंड सोस्टेड इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं uh, स, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर इन्होंने दिए थे जिसको सिक्सटीन पी एफ भी कहा जाता है नाइनटीन फिफ्टी में दिया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ट्रेट इज़ इंटेलिजेंस और विच कैटिल डिस्क्राइब टू काइंड यह भी हम बात कर चुके हैं फ्लोइड इंटेलिजेंस की भी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की भी सॉरी आई गेट टू रिमूव दीज थिंग्स बट ये आपको इंपॉर्टेंस इस तरह पता यहाँ चल सकती है कि अगर आपसे रिसर्च मैथड में पूछा जाए तो आप इन सारी चीज़ों को अलहदा अलहदा मैंशन कर सकें इसलिए हटाया नहीं इन्हें समरी में अगेन इन्होंने वही बातें बताई हैं आपको छोटी कर कर आसान अल्फाज में कर कर एक दो जो नए पॉइंट्स हैं यहाँ पर उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया था द फैक्ट दैट ह्यूमन ऑलमोस्ट इन एविटेबली टेक इन डायरेक्ट रूट टू सेटिसफाई अर्जिक टेंशन इज रेफर टू एज अ लॉन्ग सर्किटिंग कि इंसान अगर अपने जो उसकी अर्जिक टेंशन हैं जो उसकी बेसिक ड्राइव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए को कोई इनडायरेक्ट कोई डिफरेंट पाथ्स अडॉप्ट करता है डायरेक्ट नहीं करता तो उसको लॉन्ग सर्क्यूटिंग कहा जाता है और दूसरी यहाँ पर चीज़ जो मेंशन की गई है कैटल एग्जाम्पलीफाइज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग बाय शोइंग व्हाट हैपेंस एट अ नंबर ऑफ चॉइस पॉइंट्स फॉलोइंग द अरावल ऑफ अर्जिक टेंशन अ सीरीज ऑफ सच चॉइस पॉइंट्स इज कॉल्ड डायनामिक क्रॉस रोड मतलब एक अर्ज जब आपके सामने आती है तो उसको फुलफिल करने के लिए यू हैव चॉइस पॉइंट्स टू डू गुड टू डू बैड टू डू इन डायरेक्ट थिंग्स तो इन सारे ऑप्शन को हम कहते हैं कि जी ये डायनामिक क्रॉस रोड्स हैं एवेलएशन की बात की जाए तो कैटल की अगेन जो मैं बता चुकी हूँ थेरी एक को मिक्सड रिव्यू मिलते हैं अच्छे रिव्यूज़ भी मिलते हैं बुरे रिव्यूज़ भी मिलते हैं कुछ कहते हैं कि पर्सनैलिटी को आप इस तरह नहीं मैयर कर सकते कुछ कहते हैं कि जी बहुत उन्होंने मेहनत किया और बहुत अच्छा उनका आ, आउटकम मिला है एल्पर्ट भी वॉज नॉट मच सेटिसफाइड विद हिज़ ऑल दोज प्रोसेस वो कहते हैं कि इन्होंने जो आ, बताया है ये जो साइंटिफिक मेथड यूज़ किया है वो अप्रोप्रिएट ही नहीं है और जो ये एवरेज रेट्स बताते हैं जो कि इनकी सिक्सटीन रेट्स हैं बेसिकली जो ये एवरेज रेट्स बताते हैं वो किसी इंडिविजुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती ठीक है जो ये जो एवरेज पर्सनालिटी का जो इन्होंने खाका बयान किया ये एब्स्ट्रैक्शन है ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो बोथ वेज़ इनकी थेरी चलती है लेकिन खैर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर एम शॉर्ट लॉन्ग ईच एंड एवरी तो इसको बहुत आपने गौर से पढ़ना है समझना है और इस पर आ, कह सकते हैं कि जितनी मेहनत हो सकती है इस पर करें मिले इनके इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ टल दिन टेक केयर अल्लाह हाफिज